दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले रातों रात वेस्टइंडीज की धरती पर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज शुरू होने से पहले रातों रात महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री वेस्टइंडीज की धरती पर हो चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी के रातों रात वेस्टइंडीज पहुंचने से पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच चुकी है। तो आखिरकार अचानक से वेस्टइंडीज की धरती पर महेंद्र सिंह धोनी को रातों रात क्यों भेजा गया, ये तो बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेली जाने वाली है जो एक महीने तक खेली जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ 2 मैचों के टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी और अंत में 5 मैचों की T20 सीरीज में खेलने वाली है। हालांकि टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और वेस्टइंडीज की टीम का भी ऐलान हो गया है, जहां पर दोनों टीम तैयारियों में लग चुकी है। इस बीच भारतीय टीम भी अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए वेस्टइंडीज की धरती पर पहुंच गई है। ऐसे में रातों रात वेस्टइंडीज की धरती पर महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हो चुकी है और महेंद्र सिंह धोनी के आ जाने से वेस्टइंडीज के साथ पूरे क्रिकेट जगत में हलचल पैदा हो गई है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है, महेंद्र सिंह धोनी को BCCI ने रातों रात वेस्टइंडीज की धरती पर भेज दिया है। इसके पीछे की वजह, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम मैनेजमेंट के साथ जुड़ना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ अब सहायक कोच के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को भी भेज दिया गया है। BCCI की प्लानिंग वर्ल्ड कप से पहले भारत को मजबूत करने की है। ऐसे में भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी पर नजर रखने के लिए BCCI ने ठोस कदम उठाया है और कोच राहुल द्रविड़ के साथ महेंद्र सिंह धोनी को भेज दिया है, जो बारीकी से खिलाड़ियों की गलतियों पर निगाह रखेंगे और सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। ऐसे में धोनी के वेस्टइंडीज पहुंचने से पहले भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और वेस्टइंडीज की टीम दिक्कत में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी के आ जाने से भारतीय टीम वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।